आप लोग जब यहाँ पे विजिट करें तो 3-4 लोग करें। ये लोग इसीलिए नहीं चाहते कि चीजें एक्सप्लोर हो। तो अधिकांश हिस्सा देखेंगे आपकी टूट रहा है आज की डेट में, तो नजर मारेंगे तो काफी चीजें टूट रही है और खंडरहन हो रहा है एक तरीके से। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मादी मस्जिद, जो कि मेहरौली में है और जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसकी सीमाओं से हटकर यह मस्जिद, और आज की डेट में यह मस्जिद एकदम वीरान हो गई है। तो आपको यहाँ पे जब आएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, बाकी इजीली आप आ सकते हैं, रास्ता बहुत आसान है और कोई खतरे वाली बात नहीं है, जिससे कि कोई छीना छप्पी वगैरह हो, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में मैं मादी मस्जिद पूरी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मादी मस्जिद के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये है कुतुब मीनार की मेट्रो स्टेशन। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और आज की हमारी जो लोकेशन है वो इसके नियर बाय होने वाली है। तो ये है मेन हाईवे जो कि लाडो सराय के लिए जाता है। ये देखेंगे आप दोस्तों, ये जैन मंदिर दादा बरी के लिए जो रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ, वही रास्ता जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही रास्ता जाता है मादी मस्जिद की तरफ, और जो जैन मंदिर है उससे पहले ही हमारी जो आज की लोकेशन है वो पड़ती है, जिसका नाम है दोस्तों मादी मस्जिद। तो हम इसी रास्ते से आए थे दोस्तों, और ये देखेंगे आप सामने हमारी लोकेशन है जो कि है मादी मस्जिद, जिसको आज मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये चलता फिरता रोड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो कि खतरे वाली बात हो। और ये है मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करनी है। तो जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आप की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस मस्जिद का निर्माण हुआ था लोधी काल में, और दोस्तों जो लोधियों का शासन चला था 1451 से लेकर के 1526 तक चला था, और दोस्तों लोधी काल की जिसने स्थापना की थी उसका नाम था बहलोल लोधी, और उसके बाद दोस्तों शासन मिला सिकंदर लोधी को, और दोस्तों सिकंदर लोधी के बाद में जो सत्ता मिली थी वो मिली थी इब्राहिम लोधी को। और दोस्तों जब 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोधी को मुगल बादशाह बाबर ने हरा दिया था, और उसके बाद में मुगल दौर शुरू हो गया था दोस्तों। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लोधी वंश से ताल्लुक रखता है। और दोस्तों जब आप इस मस्जिद पे नज़र मारेंगे तो देखेंगे कि इसको जो बनाया गया है वो लाल बालू और पत्थर, साथ ही साथ जो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो है अरावली पत्थर, जिसको कि जंगली पत्थर भी कहते हैं। जैसे ही आप दोस्तों इस गेट से अंदर आएंगे तो उसके बाद देखेंगे आपको कि इस मस्जिद का मेन गेट देखने के लिए मिलेगा, और उसके लेफ्ट एंड राइट आपको सीढ़ियाँ देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों आप देखेंगे साइड में एक कुआं भी है, और इस साइड में देखेंगे आप जिस तरह की बाउंड्रीज किले में बनती है उसी तरह की बाउंड्री आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों इस मस्जिद के बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो फरोजशाह कोटला फोर्ट में जो आप देखेंगे जामी मस्जिद जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें भी इसी तरीके की डिज़ाइन है, बट ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये उस मस्जिद में नहीं है, उसमें पूरी ही सीढ़ी है। दोस्तों चलते हैं अब आगे की तरफ और आप लोगों को इस मस्जिद से जुड़ा हुआ इतिहास बताते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सीढ़ी से चढ़कर के आएंगे तो देखेंगे आपको इस मस्जिद के लेफ्ट एंड राइट आपको एक ही तरह की डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, पास से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो नज़र मारेंगे तो ये डिज़ाइन में दिख रहा है दोस्तों, इसमें हाथी की सूंड के टाइप की डिज़ाइन देखने के लिए मिल रही है, और नीचे एक कटोरा सा है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो फूल देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, जो कि कमल के फूल की तरह डिज़ाइनिंग है। और दोस्तों ये जो देखेंगे
आप, ये है दोस्तों मेन एंट्री गेट, यहीं से आप लोगों को मस्जिद भी दिखने लग जाएगी। और जब आप इसकी गेट की तरफ नज़र मारेंगे, डिज़ाइनिंग की तरफ, तो देखेंगे आपकी लाल बालू पत्थर से चौखट देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो देखेंगे आप, हाथी की सूंड की डिज़ाइन बनी हुई है ऊपर की तरफ। और ये देखेंगे कटोरा इसलिए बनाया गया दोस्तों ताकि इसको सपोर्ट मिल सके और ये चौखट लंबे समय तक टिक सके। और दोस्तों जैसे ही अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉम है और इसके बीच में भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फ़ोन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना होने के कारण आप लोगों को दिख नहीं पा रहा। बाकी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस आंगन में आएंगे तो आप लोग को कवर भी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। और इसको बेसिकली आज के डेट में यहाँ पर कबूतर वगैरह खाना खाते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दाने वगैरह डाले जाते हैं। और आप लोग बता दूं कि यहाँ पर भीड़ इसलिए भी नहीं होती है कि यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा ही मेला लगा रहता है। बंदर ही एक तरीके से इस मस्जिद पर आज के डेट में राज कर रहे हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद की मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अधिकांश हिस्सा देखेंगे आपकी टूट रहा है आज की डेट में। तो नज़र मारेंगे तो काफ़ी चीज़ें टूट रही है और खंडरहन हो रहा है एक तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पत्थर दोस्तों, इस पत्थर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि दूर से चीज़ें चमके। और इस पत्थरों को शीशे वाला पत्थर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दूर से ही चमकता था उस टाइम पे। अभी तो देखेंगे आपकी यहाँ पे इस इमारत पर ये पत्थर बहुत कम देखने के लिए मिल रहा होगा, कहीं कहीं पर बचा हुआ है। और देखेंगे दोस्तों इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही तरफ आप लोगों को तीन मेहराब बनी हुई दिखेंगी। और इसके साइड में देखेंगे आप यहाँ पे जीने भी हैं दोनों ही तरफ जाने के लिए ऊपर। और अभी इस मस्जिद का अधिकांश हिस्सा दोस्तों टूट रहा है। और ये है दोस्तों लोदी काल की मस्जिद, मादी मस्जिद। और इस मस्जिद को प्राचीन काल में दोस्तों कहा जाता था मंडी मस्जिद क्योंकि इसके आसपास बाजार लगा करता था उस टाइम पे। तो दोस्तों ये था मादी मस्जिद का ब्लॉग, और आप लोग जब यहाँ पे विजिट करें तो तीन चार लोग करें, क्योंकि अकेले आओगे तो यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते और फालतू का बकबक -बक करते रहते हैं। तो जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ नहीं बोला एक बार, लेकिन जो झाड़ू लगाने वाला है ना, उसने साले ने जिंदगी खराब कर दी वीडियो बनाने के लिए। इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, मतलब फलाना ढिमकाना करते रहते हैं ये लोग। और ये लोग इसीलिए नहीं चाहते कि चीज़ें एक्सप्लोर हो ताकि यहाँ पे भीड़ आए और उसके बाद में कि इन लोगों की ड्यूटी बढ़ जाए, यही है इन लोगों का, बस ड्रामाबाजी चलती रहती है। तो आप लोग आए तो ग्रुप में आए और इन लोगों से बहस करें, मैंने भी करी तो वीडियोस वगैरह आप बना पाएंगे। बाकी ये थी आज की वीडियो मादी मस्जिद की, जो कि लोधी काल से ताल्लुकात रखती है। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए हिस्टोरिकल ब्लॉग में। आज की इस वीडियो करते हैं एंड, खुदा हाफिज़।